हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डू रिवीजन वर्क ऑफ लेसन 4 एंड 5। तो आज हम रिवीजन वर्क करेंगे लेसन नंबर 4 एंड 5 का। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वैल्यू हैज़, वैल्यू के कितने बच्चे हैं। तो वैल्यू हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो वैल्यू के 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु वॉन द रेस अमंग द कैट एंड द माउस, तो चूहे और बिल्ली में से रेस कौन जीता था, याद करो जल्दी से। इजी है, द कैट वॉन द रेस, मतलब जो बिल्ली थी वो रेस जीती थी, है ना, तभी तो उसके गले में घंटी बांधी थी ना, याद है ना आपको। अब आगे देखो, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक पैसेज है। पैसेज में क्या होता है, तुम्हें एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है। ये देखो, वंस अपॉन ए टाइम से लेके एन ओल्ड माउस सेड, यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ तुम्हें दे रखा है। इस पैराग्राफ को तुम्हें अच्छे से रीड करना है, और रीड करने के बाद इसी में तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाई हुम ऑल द माइस वर अफ्रेड ऑफ, मतलब जो सारे के सारे जो माउस थे वो किससे डरते थे। तो देखो, सेकंड लाइन में अपने दे रखा है, है ना, फर्स्ट लाइन के लास्ट में से स्टार्ट करते हैं हम। ऑल द माइस ऑन द फार्म वर अफ्रेड ऑफ द कैट, तो सारे के सारे माउस किससे डरते थे, कैट से, है ना। अब नेक्स्ट, हाउ मैनी माइस वर कॉट बाय द कैट इन अ डे, मतलब एक दिन में बिल्ली के द्वारा कितने चूहे पकड़े जाते थे, तो कितने पकड़े जाते थे। देखो, जहाँ से अभी अपन ने रीड किया था ना, उसी के आगे देखो, एवरी डे द कैट वुड कैच एटलीस्ट 1 और 2 माइस, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स, तो वो भी हमें इसको पढ़ के ही पता चलेगा। लार्ज टैबी कैट लिव्ड ऑन अ फार्म, मतलब एक बड़ी सी टैबी कैट थी जो कि फार्म में रहती थी, तो आ जाएगा ट्रू, है ना। वी विल एबल टू डैट सून एंड ऑल डैश सेड, अब ये किसने बोला, देखो ये लास्ट लाइन देखो, और एल्स वी विल बी डैट सून एंड ऑल्ड माउस सेड, तो किसने बोला था, ओल्ड माउस ने बोला था, है ना। मतलब आपको इसमें लर्न करना नहीं होता है, इसमें ये पैराग्राफ देखो और आंसर दो। अब देखो, अब जो टेस्ट होने वाला है अपना, उसमें ये भी पैराग्राफ आ सकता है और कोई और भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पैसेज में से आंसर निकालना आना चाहिए, है ना, पैराग्राफ किस तरीके से पैसेज सॉल्व करते हैं, किस तरीके से पैराग्राफ को हम रीड करके आंसर निकालते हैं, ये आना चाहिए। बाकी तुम्हें पैराग्राफ 1 से लेके 5 चैप्टर तक कोई सा भी पैराग्राफ मैं उठा के दे सकती हूँ कि इसको सॉल्व करो, ओके। अब देखो नेक्स्ट, राइट द अपोजिट ऑफ अ लाइफ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो दे रखा है अपने को पैराग्राफ, उसमें से अलाइव का अपोजिट क्या होगा, डेड, अलाइव मतलब जीवित होना, डेड मतलब मरना। अब देखो, एक ये वर्ड है फ्राइटेन, मतलब भयभीत होना, बहुत डरा हुआ, है ना, तो डरे हुए का मतलब इस पैराग्राफ में से सेम वर्ड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अफ्रेड, ठीक है। तो आपको ये सब लर्न करना है और टेस्ट के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।